13 मई वर्ष 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र बुलाया गया था। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार उच्च सदन यानी राज्यसभा का गठन किया गया। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता था, जबकि लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में ही हुआ। 1952 से पहले चुनाव कराए जाने तक संसद एक सदनी ही रही। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा नाम से 23 अगस्त 1954 से जाना जाने लगा। पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ हुई और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। 13 मई वर्ष 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 साल शिक्षा अध्यापन को दिए। वर्ष 1931 से वर्ष 1936 तक वे आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था, इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन किया। आज ही के दिन वर्ष 1952 को उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। वर्ष 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया।